आज उत्सव है भाषा का, आज उत्सव है हिंदी का, आज उत्सव है उस बोली का जिसमें पहली बार हमने मुस्कुराना सीखा, जिसे हम गर्व से हिंदी कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की दिनांक है 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। जैसा आपको पता है, हमारा देश पहले अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारे देश पे अंग्रेज़ों का राज था। उस समय बहुत से क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों से लड़ाई करी और 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ाद कराया, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया, तो देश के सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद संविधान सभा में 14 सितंबर 1949, यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिल गया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व को देखते हुए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 यानी 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। तो आइए बच्चों, हम भी आज हिंदी दिवस मनाते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कविता बोलिए और इसका आनंद लीजिए। जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ा, जिसने पूरे देश को जोड़ा, वो मजबूत धागा है हिंदी, वो मजबूत धागा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, भारत की गौरव गाथा है हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबको भाती सबको अपनाती, सबको भाती सबको अपनाती, एक दूजे में प्यार बढ़ाती, एक दूजे में प्यार बढ़ाती, अपनेपन की लौ जलाती, भारतीयता का एहसास कराती, भारतीयता का एहसास कराती, अपने संस्कारों का बोध कराती, अपने संस्कारों का बोध कराती, भाईचारा सबको सिखलाती, भाईचारा सबको सिखलाती, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, हिंदी मेरी प्यारी हिंदी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी, सबसे न्यारी सबसे प्यारी। तो आपको कैसी लगी कविता? अच्छी थी ना? अब मैं आपको हिंदी की कुछ विशेषताएं बताती हूँ। हिंदी भाषा विशाल जनसमूह की भाषा है, जो सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार 60 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं हिंदी का प्रयोग करते हैं। हिंदी पूरे भारत में और दुनिया के कई देशों में, जैसे अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया, नेपाल आदि में बोली जाती है और समझी जाती है। विश्व के लगभग 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। निसंदेह हिंदी दुनिया की सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही भाषाओं में से एक है। सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ने भी हिंदी को अब अपनी सभी सेवाओं में एक माध्यम के रूप में शामिल किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर भी हिंदी का प्रयोग बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आज प्रायः हर विषय पर सामग्री हिंदी में प्राप्त की जा सकती है। हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी देव भाषा संस्कृत से हुआ है, जो आज भी तकनीकी क्षेत्र में प्रयोग के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त भाषा मानी जाती है। हिंदी की वर्णमाला दुनिया की सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। इसमें स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग व्यवस्थित किया गया है।
इसके अतिरिक्त सभी वर्णों को उनकी उच्चारण स्थान की विशेषता के आधार पर रखा गया है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो ये है हमारी हिंदी भाषा में इतनी सारी विशेषताएं। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी भाषा के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी का एक स्मरणीय प्रसंग मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगी। स्वामी विवेकानंद विश्वविख्यात धर्म आचार्य और विद्वान थे। उन्हें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि अनेक भारतीय और विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। वास्तव में जिस संत ने अपने संबोधन से अमेरिका वासियों को मंत्रमुग्ध कर दिया हो, उनको अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के विषय में भला किस व्यक्ति को संदेह हो सकता है। किंतु उन्हें अपनी संस्कृति के साथ साथ अपनी मातृभाषा हिंदी पे भी बहुत ज़्यादा प्रेम था। वे अपनी संस्कृति से जुड़ी समस्त वस्तुओं में मातृभाव रखते थे और उनका सम्मान करते थे। हिंदी भाषा के प्रति भी उनके मन में यही भाव था। वे हिंदी को माँ समान मानते थे। स्वामी विवेकानंद एक बार विदेश गए। वहाँ उनके अनेक प्रशंसक उनसे मिलने के लिए आए हुए थे। उन लोगों ने स्वामी जी की तरफ हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और अपनी सभ्यता के अनुसार अंग्रेजी में हेलो कहा। इसके जवाब में स्वामी विवेकानंद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। उन लोगों ने सोचा शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती। तब उनमें से एक ने हिंदी में पूछा, आप कैसे हैं? स्वामी जी ने सहज भाव से उत्तर दिया, आई एम फाइन थैंक यू। उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, जब हमने आपसे अंग्रेजी में बात की तो आपने हिंदी में उत्तर दिया, और जब हमने हिंदी में पूछा तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया, इसका क्या कारण है? इस पर स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, जब आप अपनी माँ का सम्मान कर रहे थे तब मैं अपनी माँ का सम्मान कर रहा था, और जब आपने मेरी माँ का सम्मान किया तब मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। स्वामी जी का यह उत्तर सुनकर सभी श्रद्धावन्त हो गए। हिंदी हमारी मातृभाषा है और भारतवर्ष की पहचान है। हमें इस पर गर्व होना चाहिए। अंग्रेजी या अन्य विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना अच्छी बात है, परंतु विदेशी भाषा सीख लेने पर अपनी भाषा को कमतर आंकना, अनावश्यक दिखावा करना और हिंदी बोलने वालों को नीचा दिखाना सर्वथा अनुचित है। हमें इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए। हमें अंग्रेजी नहीं आती, यह शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात तो यह है कि हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी विदेशी भाषा को बोलने में अपनी शान समझते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने भी कहा है, मैं दुनिया की सभी भाषाओं की इज्जत करता हूँ, पर मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो मैं ये सहन नहीं कर सकता। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह पर जाना है। केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। हिंदी सिर्फ हमारी भाषा ही नहीं अपितु हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोलें, हिंदी सीखें और हिंदी सिखाएं। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हिंदी दिवस की शुभकामनाएँ।